हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। वही पीएम मोदी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुँचेंगे। पीएम यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग एक बैठक करने जा रहा है। आयोग की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देश में कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन के मामले हर दिन तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद भी विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान जारी है। इसको लेकर रविवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद और राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोनों के बीच जुबानी जंग काफी देर तक चली। जोशी ने मानसून सत्र के अंतिम दिन के दौरान किए गए हंगामे का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, जिसके कारण 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। उत्तराखंड में पार्टी की अंदरूनी खींचातनी का समाधान निकलने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान और दिग्गज नेता हरीश रावत के बीच सब कुछ दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। पार्टी नेतृत्व के साथ निकले सुलह के फॉर्मूले के बावजूद रावत की ओर से खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने की सियासत कांग्रेस हाईकमान को नागवार लगी है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में बरकरार है। विशेषज्ञों की माने तो प्रदूषण हवाओं के चलते दिल्ली और NCR के शहर रेड जोन में है। कुल मिलाकर देश में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषण शहर बन गया है। इसके साथ ही 7वां दिन यानी सोमवार को भी हवा की सेहत गंभीर है। उत्तर भारत के पहाड़ों में हिमपात शुरू होने से एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली NCR तक देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की नहीं, रविवार को दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में भी बादल छाए, वहीं शाम बारिश भी हुई, जिससे मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। देश में ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 31 मामले सामने आए हैं। यही नहीं, केरल में ओमिक्रॉन के 19, तेलंगाना में 3, आंध्र प्रदेश में 2, हिमाचल प्रदेश में 1, ओडिशा में 4, चंडीगढ़ में 2 और मध्य प्रदेश में 9 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 501 हो गई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, इसके बाद दिल्ली का नंबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज किया गया है। बाजार में नियामक संस्था प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी 28 दिसंबर को होने वाली अपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में प्राथमिक बाजार यानी IPO सुधार के उद्देश्य से प्रस्तावों के एक सेट को मंजूरी देने के लिए तैयार है। इन सुधारों में नए जमाने की प्रौद्योगिकी कंपनियों की ओर से अज्ञात अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO में जुटाए गए धन के उपयोग का प्रतिबंध, IPO में एंकर निवेश के लिए ऑनलाइन अवधि में वृद्धि और IPOI की निगरानी जैसे सख्त नियम भी शामिल है। अपने उन्मादी परमाणु हथियारों के जखीरे को छिपाने के बजाय चीन जिस प्रकार से उसके प्रदर्शन में लगा है, उससे तय है कि इसके पीछे सैन्य आवश्यकताओं से कहीं अधिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी वजह है। अप्रत्याशित गति और दायरे में बढ़ रहे हथियारों के इस जमावड़े की कड़ियां चीनी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवाद से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। चीन की योजना 2049 तक विश्व की सबसे महाशक्ति बनने की है। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री इमरान खान के पार्टी के संगठित ढांचे को भंग करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघीय मंत्रियों को नए पदाधिकारी नियुक्त किए जाने पर चिंता जाहिर की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में पराजय का असली कारण ये संघीय मंत्री ही है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।